गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक कवर चैनल। आज हम एक बोतल की मदद से बहुत सारे कपड़े धोने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, बहुत से कमाल के टिप्स हैं जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा कपड़े धोने को लेकर है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे कपड़े धोने का जो काम है वो अटक के रह जाता है, कभी हमारे फिंगर में कुछ चोट आ जाए या घर में वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, तब हम कपड़े को कैसे क्लीन करें। तो आप पहले ना थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, यानी कुनकुना पानी लीजिए, इससे कपड़े बहुत जल्दी से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद में जो भी वॉशिंग पाउडर आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। और इसके बाद में एक मेन चीज़ आप ज़रूर ऐड कीजिए, वो है शैम्पू। तो यहाँ पर एक बकेट में मैं एक पाउच शैम्पू ऐड कर रही हूँ। अगर आप एक अंदाजे से पूछें तो मैं यहाँ कहूँगी एक चम्मच इतना शैम्पू हमने ऐड कर देना है। ये बिना मेहनत वाली क्लीनिंग है, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों में तेल के दाग भी होते हैं, कॉलर में तेल के दाग होते हैं, जिसकी वजह से ना क्लीनिंग हो नहीं पाती है कपड़ों की। तो यहाँ हम बिना हाथों को टच करे हुए ये कपड़े क्लीन करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर एक शैम्पू का पाउच ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में भी आपने कपड़े क्लीन करने हैं वो इस पानी में ऐड कर दीजिए, और कम से कम 10 मिनट के लिए इन कपड़ों को आप छोड़ दीजिएगा। जितने के तेल के दाग हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे, और जो मेल निकलता नहीं है बिना ब्रश लगाए हुए वो भी आसानी से गल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कपड़ों को गला दिया है, 10 मिनट बाद हम इसको देखने वाले हैं। तब तक 10 मिनट से हम यहाँ पर बोतल की मदद से एक ऐसा टूल बना के रेडी करने वाले हैं जो आपकी कपड़े धोने की समस्याओं को ख़त्म करने वाला है। तो आपके घर में भी इस तरह की बोतल जरूर आती होगी, और इनका हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आप इस तरह का टूल ना घर पे बना के रेडी कर सकते हैं। तो आपके पास वाइपर का स्टिक है तो वो भी चलेगा, और नहीं तो इस तरह का डंडा भी चलेगा। बस ध्यान रखना है कि ये इसके अंदर अच्छे से आ जाए। पहले आपको सेट करके देखना है कि बड़ी बोतल में आता है या छोटी बोतल में आता है। तो डंडा हमने करीबन यहाँ पर 1 मीटर या उससे थोड़ा छोटा बड़ा आप ले सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल के देखा, ये इस बोतल में अच्छे से आ गया है। और बोतल हमने ऐसी लेनी जो थोड़ी कड़क हो, बहुत ज़्यादा नरम बोतल नहीं ले लेनी है, जैसे पानी की बोतल आती है वो नहीं लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। इस तरह की जो बड़ी माजा की और स्प्राइट की बोतल आती है इनको ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना कड़क होती है। तो एक बार टूल बनाएंगे और ये काफ़ी दिन तक चलने वाला है। तो सीजर की मदद से पहले हम यहाँ बोतल को कट कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने करना क्या है। ये जो स्टिक है ये हमने बोतल के अंदर डाल के देखना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये हल्का सा ना ढीला है, तो हम इसको यहाँ पर कड़क करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कैंडल को जला लिया। ये काम आप गैस में भी कर सकते हैं, पर आज बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से बोतल के जिस हिस्से को हम पिघलाना चाहते हैं वो तो नहीं पिघलता है, पूरी बोतल ही पिघल सकती है। तो इसलिए आप दिया या कैंडल का जरूर यूज़ कर लीजिए। हल्का हल्का इसके बोतल वाले ढक्कन वाले हिस्से पर हमने इस तरीके से इसको घुमाना है। ये बोतल बहुत अच्छे से इस डंडी से चिपक जाने वाली है, यानी कि जब तक हम इसे खींच के नहीं निकालेंगे ये नहीं निकलने वाला है। तो मुझे कैंडल ही यहाँ पर बेस्ट लगा, क्योंकि इससे आसानी से ये चिपक गई है। इसके बाद में हमने क्या करना है चलिए वो देख लेते हैं। इस बोतल को लेके चलते हैं हम बाल्टी की तरफ। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, इस बाल्टी में हमने इन बोतल को कुछ इस तरीके से प्रेस करना है, हल्का हल्का सा करना है। थोड़ी देर बाद में आपने उसकी स्पीड बढ़ा देनी, 5 मिनट आपने हल्के हल्के कुछ इस तरीके से चलाना है। इसके बाद में इसका जितना भी मेल है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। मैं एक दूसरे हाथ का यूज़ ज़रूर कर रही हूँ, ताकि कपड़ों को आसानी से इसमें से निकल आ जा सके। अभी करा क्यों है ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरे हाथों में ना यहाँ पर थोड़ा सा कट लग गया है, तो जो कपड़े होते हैं उसका जो साबुन होता है कटे हुए निशान पर बहुत ज़्यादा जलन देता है। इसकी वजह से इन कपड़ों को मैं ब्रश भी नहीं लगा सकती, और ना ही दोनों हाथों से छुपक के क्लीन कर सकती हूँ। सिर्फ एक हाथ का मैंने यूज़ किया है और कपड़ों को अच्छे से बाहर निकाल लिया है। और पानी देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा गंदा है। तो इस तरीके से बोतल के आप कपड़े क्लीन कर सकते हैं। बस अच्छे पानी में आपने इसे निकाल लेना है कपड़ों को एक बार। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सर्फेस से बाहर आ गया है और कपड़े भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट अक्सर औरतों के साथ होते रहते हैं, क्योंकि हाथों में छोटा मोटा कट लग जाता है और कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। इस तरीके के गमले आपके घर में भी होते ही होंगे। जब भी हम इन्हें मार्केट से लेकर आते हैं, स्पेशली जो प्लास्टिक वाले होते हैं, तो इनमें ना होल करे हुए नहीं आते हैं, यानी कि इनमें होल नहीं होते हैं। इनको आपको अगरबत्ती की मदद से होल कर लेना है, और यहाँ पर मैंने दोनों ही गमलों को अच्छे से होल कर लिया। इसके इन गमलों में हम मिट्टी को डाल लेंगे। तो यहाँ मैं आज ट्रांसफर करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पौधा। ये पॉलिसिस नाम का एक प्लांट है जो कि इंडोर प्लांट होता है। मैं इसकी कटिंग नॉर्मल लेकर आई थी और मुझे लगा नहीं था कि ये लग जाएगा, तो घर पे जो वेस्ट बोतल होती है ना उसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली और इस कटिंग्स को लगा लिया। लगभग 2 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी, और अब ये अपने से खुद ग्रो करने लग गई है, यानी कि इसकी जितनी भी जड़ है वो अच्छे से बन के रेडी हो गई, जो कि आप देख सकते हैं। तो आप ना घर में पड़ी हुई बेकार बोतलों का आप इस तरीके से यूज़ कीजिए, आप उसमें कटिंग लगा दीजिए। कटिंग लगने के बाद में अगर ये ग्रो अप हो जाती है तो इनको बाद में आप गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम कटिंग गमलों में लगा भी देते हैं और अगर मान लीजिए वो ग्रो अप नहीं होती है या उसमें जड़ें नहीं बनती है, तब हमारे गमले का नुकसान होता है। तो
घर में पड़ी बेकार बोतलों में पहले कटिंग्स को लगाइए, जब अच्छे से उसमें जड़ बन जाएगी उसके बाद में ही इन गमलों में ट्रांसफर करिए। तो ये छोटा सा ट्रिक मुझे बहुत फायदेमंद लगता है, इससे मेरे गमले नुकसान नहीं होता है, यानी कि गमले में मैं कटिंग लगा दूं और उसके बाद फिर मुझे इन्हें चेंज नहीं करना पड़ता। तो पहले मैं इस तरह की बेकार प्लास्टिक बोतल में इन कटिंग्स को लगाती हूँ, जब अच्छे से ये बन के रेडी हो जाते हैं उसके बाद मैं इन्हें गमलों में ट्रांसफर करती हूँ। तो बहुत अच्छे से इनकी ग्रो हो रही है और ये इंडोर प्लांट्स हैं तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इन ट्रिक को जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। हमारे घर में ना मसालेदारी ज़रूर होती है, पर बार बार एक प्रॉब्लम होती है कि मसालेदारी में से कुछ मसाला इस डिब्बे में गिर जाता है, जिसकी वजह से हमने इसे बार बार क्लीन करना होता है। तो इस तरह का कार्डबोर्ड आपके भी घर में होगा, बस इसकी साइज़ से आपने कटिंग कर लेना है और इसको ना बॉटम में सेट कर लेना है। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी मसाले गलती से अगर नीचे गिरते हैं तो हमें पूरा डब्बा क्लीन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बस इस पेपर को बाहर निकालना है, इस कार्डबोर्ड को बाहर निकालना है और आपका डब्बा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अच्छा, हम लोग ना एक काम ज़रूर करते हैं कि इसमें मसाले फील करते हैं, पर प्रॉब्लम होती है इन मसालों को वापस इसी तरीके से अगर रख दें तो ये मसाले ख़राब हो जाते हैं, जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले ही ये एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि फफूंद आ जाती है, नमी आ जाती है। तो इसको घर पे ही कैसे सील करें? तो आपके पास कुछ भी इस तरह का टूल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। और हल्का सा गर्म करने के बाद ही आपने जहाँ से भी इन पैकेट को कट किया है वहाँ पर आपने घुमा देना है, बहुत हल्के से घुमाना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना है, नहीं तो प्लास्टिक ही जल जाएगी और सील पैक नहीं होगा। हल्के हल्के से आप करेंगे ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो हर तरह की प्लास्टिक पर काम करता है, बस मार्केट में जो सब्जियों लाने वाली पतली प्लास्टिक होती है ना उस पर ट्रिक काम नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरम प्लास्टिक होती है, पर जो पैकेट्स वाली प्लास्टिक होती है ये काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है। तो इस पर ये ट्रिक आसानी से काम करती है। तो मसालों के पैकेट्स को कभी भी खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि मसाले बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो जो भी मसाला आप यूज़ करते हैं या कुछ भी ऐसे खाने पीने की चीज़ें जो इस तरह के पैकेट्स में आती है, थोड़ा यूज़ किया थोड़े बाद के लिए रख दिया, तो उन पर नई ट्रिक ट्राई आउट करके देखिएगा। इससे ये अच्छे से सील पैक हो जाते हैं, जैसे कि मार्केट से आते हैं इसमें हवा तक भी अंदर रहती है ताकि ये मसाले ख़राब ना हो। छोटा सा ट्रिक है, ट्राई आउट करके देखिएगा। इसके बाद आप मसालों को डिब्बे में रख दीजिए, अगले 6 महीने बाद भी आप खुलेंगे तो ये खराब नहीं होंगे, पर अगर आपने इसे खुला रख दिया तो ये अगले ही दिनों में खराब हो जाएंगे। तो आई होप ये छोटा सा ट्रिक आपको काम आता है और वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। घर से कुछ दिन के लिए अगर आप भी बाहर जाते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। अक्सर क्या होता है, जब हम घर से बाहर जाते होते हैं तो हमारे घर में ना हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे किचन पर किस तरह का कीड़ा आ रहा है। वो किचन सिंक से आ सकता है, दरवाजे से आ सकता है, खिड़की से आ सकता है। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। घर में जो ये प्याज होता है, इस प्याज की कटिंग लेना है और गैस स्टोव के आसपास सिलेंडर के पीछे किचन सिंक में इन्हें ज़रूर रख देना है, क्योंकि ये जो प्याज की स्मेल होती है किसी भी कीड़े को पसंद नहीं आती है। मक्खी हो, मच्छर हो, कॉकरोच हो, छिपकली हो या चूहा ही क्यों ना हो, उन्हें ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और ये ऐसे बिन बिनाए मेहमान होते हैं ना जिन्हें हम नहीं न्योता देते हैं कि हमारे जाने के बाद आप घर में आए, पर ये आ ही जाते हैं क्योंकि इन्हें खाने की स्मेल आती है। तो प्याज अगर आप काट के रखते हैं तो घर में किसी भी तरह का किचन किराना रखा हो, चूहे चिपकली कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। स्पेशल किचन सिंक में ये जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा, क्योंकि प्याज की जो स्मेल होती है वो किसी भी कीड़े को पसंद नहीं आती है। तो किचन आप रात को अकेला छोड़ रहे हैं, यानी कि किचन में हम काम कर रहे हैं उसके बाद में किचन को इस तरीके से छोड़ देते हैं और सोचते हैं सुबह हम काम करेंगे, तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। क्योंकि जब कीड़े मकोड़े कॉकरोच किचन स्लैब पे या किचन स्टैंड पे आते हैं तो वो गंदगी करते हैं, जिसकी घर के बड़े और बच्चों को फूड पॉइजन हो सकता है और हमें पता तक नहीं चलता है कि हमने गलती कहाँ करी है। हम तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करते हैं फिर भी ये फूड पॉइजन कैसे हो जाता है। तो इस ट्रिक को ट्राई आउट करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टिप्स है तो जरूर करके देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।